इस साल का आईपीएल अभी तक काफी खास बीता है, क्योंकि जहां दिग्गज खिलाड़ी अपना जलवा दिखाने में नाकामयाब रहे, तो वहीं कुछ ऐसे अनकैप्ड खिलाड़ी देखने को मिले जिन्होंने इस सीजन में अभी तक अपने खेल से सभी का दिल जीत लिया है, चाहे फिर वो बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी। युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे ही युवा अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अभी तक इस आईपीएल में अपना जलवा दिखाया है। नंबर एक, आयुष बडोनी। इस सूची में सबसे पहला नाम अगर आयुष बडोनी का ना हो तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि अभी तक जैसा खेल उन्होंने दिखाया है उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आईपीएल के इस सीजन में वो सबसे बड़ी खोज में से एक हैं। उन्होंने पहले ही मैच से समझदारी से बल्लेबाजी की है और अभी तक खेले गए तीनों ही मुकाबलों में टीम के लिए उनका योगदान बहुमूल्य रहा है। आयुष बडोनी ने आईपीएल के पहले ही मैच में अर्धशतक जमाते हुए ये बता दिया था कि वो इस सीजन रुकने वाले नहीं हैं। नंबर दो, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाले एक उम्दा बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अभी तक मुंबई के लिए अपने बल्ले से ढेरों रन बनाने शुरू कर दिए हैं। आईपीएल में सबसे कम उम्र में 50 जड़ने वाले तिलक वर्मा ने अभी इस सीजन कुल 121 रन बना लिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अभी तक मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करके दिखाई है। आने वाले समय में तिलक वर्मा मुंबई की तरफ से एक और शानदार खोज में गिने जाएंगे। नंबर तीन, उमरान मलिक। इस सूची में उमरान मलिक वो खिलाड़ी हैं जिनका ये आईपीएल सीजन दूसरा सीजन है। इससे पहले भी वो आईपीएल 2021 के दूसरे लेग में अपना जलवा दिखा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से उमरान मलिक इस सीजन गेंदबाजी कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब उनके लिए भारतीय टीम के दरवाजे खुल जाएंगे। आपको बता दें कि उमरान अभी तक सभी मुकाबलों में सबसे तेज गेंद डालकर मैच में सबसे तेज गेंद डालने का अवार्ड अपने नाम कर रहे हैं। उनकी गेंदबाजी ने अभी तक कई दिग्गजों को प्रभावित करके दिखाया है। उनका अभी तक पैच, उमरान ने अभी तक कई बार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करा चुके हैं। तो ये थे वो तीन अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने इस सीजन सभी को चौंकाते हुए शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।